हम हरी कथा का पान के अलावा कोई पान खा लें यहाँ पर तो फिर वो गुड्डे नहीं है जी, ठीक है। तो इसीलिए असली जीवन तो यही है। एक बार एक व्यक्ति था, उसने सोचा कि ना मैं सबसे अच्छा गांव चुनूंगा रहने के लिए, और इस तरह से ढूंढते ढूंढते जो है वो एक गांव के पास पहुंचा। गांव के बाहर जो था कब्रिस्तान था, और कब्रिस्तान में उसने देखा कि कब्रिस्तान है और गांव वाले यहाँ रहते हैं, ये गांव वाला कब्रिस्तान है। तो वहाँ जो कब्रिस्तान पे जो है लिखा हुआ था कि भाई हाँ एक ऐसी कब्र है, तो उस वाले को पता लगा था ये जो गांव है ये सबसे बेस्ट गांव है, सबसे बेहतरीन गांव है ये। देखिए उसने जितने भी नाम पढ़े, नाम पढ़ता था उसमें जैसे उम्र लिखी होती थी 7 साल, उम्र थी 15 साल, किसी की मैक्सिमम उम्र थी तो 20 साल। वह इतने अच्छे थे सारे, मतलब यहाँ पर जवानी में टपक जाते हैं क्या। लेकिन तारीफ तो हमने खूब सुनी है कि गांव जो है सबसे बेहतरीन गांव है ये, लेकिन हाँ जितनी भी उम्र देख रहा हूँ, कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल, मैक्सिमम जो है वो 20 साल वाला है यहाँ पर। ये तो मतलब उम्र ही कम है यहाँ लोगों की, लेकिन तारीफ तो हमने खूब सुनी, गाँव बड़ा अच्छा है। तो गाँव में क्या, गाँव में देखा वहाँ बूढ़े बुजुर्ग सब थे वहाँ पर, बूढ़े बुजुर्ग भी यहाँ पर, लेकिन कब्र के ऊपर लिखा हुआ है 15 साल, 20 साल, 12 साल, 8 साल। उसने पूछा भाई आपके यहाँ तो बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी हैं यहाँ पर, लेकिन कब्रिस्तान में वहाँ कब्र में देखा, कब्र में लिखा हुआ है इतने साल, इतने साल, इतने साल। तो वहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि असल में वो जो समय लिखा हुआ है वो समय है जो कि उस व्यक्ति ने हरी कथा को सुनते हुए बिताया। तो असली जिंदगी तो हमारी वही होती है जब हम बैठ करके हरी कथा में अपना समय बिताते हैं, वही वास्तव में असली जीवन काउंट होता है। उसके अलावा क्या है, ठीक है, खाना पीना धोना, ठीक है, खाना निकालना, ये सब भी लगा रहता है लाइफ के अंदर, लेकिन उसको असली जीवन का हिस्सा नहीं मानते। असली जीवन का हिस्सा वो होता है कि हम कब भगवान के बारे में सुन रहे थे, चाहे नाम सुन रहे थे या फिर हम हरी कथा सुन रहे थे, हम वो सुन रहे थे तो वो सुनते हुए जो समय है वही असली जिंदगी है। तो इसलिए गांव के बाहर कब्रिस्तान में उन्होंने लिखा था 20 साल का मतलब है कि इस व्यक्ति ने 20 साल सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी के हरी कथा और हरी नाम सुनते हुए ही बताए। बाकी और जो साल थे, मान लो 80 साल थे, नहाना धोना ये सब हो सकता था, लेकिन 20 साल तो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सुना। तो यही वास्तव में असली जीवन है, निरंतर हरी कथा पीयूष पिबंती। तो जो लगातार हरी कथा का पीयूष पी रहा है, अमृत को पी रहा है, ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो क्या रहता है, गुड डे, गुड वीक, गुड मंथ, गुड ईयर, गुड जीवन। तो इसीलिए असली लाइफ तो ये है कि हम ऐसे बैठें और भगवान के बारे में सुने। पहले लोग यही क्या करते थे, पहले लोग खेती बाड़ी करते थे बस, पहले नौकरी नहीं थी 12-12 घंटे की, गधे और कुत्ते की तरह काम करना, उसके बाद फिर भगवान के लिए समय के लिए बोलना हमारे पास समय नहीं है। तो ऐसा जिंदगी पहले नहीं हुआ करती, पहले जीवन बहुत ही सरल था, और सब जो है 4-5-6 घंटा थोड़ी खेती बाड़ी की, उसके बाद फिर सब शाम को इकट्ठा हुआ करते थे और भगवान के बारे में श्रवण किया करते थे, भगवान के बारे में सुना करते थे। तो इसीलिए जो एक बार भगवान के बारे में सुनता है ऐसे व्यक्ति को सौभाग्यशाली बोलते हैं, जो एक बार ही सुन लेता है, जो कि इंटरवल से सुनता है, कभी सुन लेता है, कभी नहीं सुन पाता है, कभी सोया रह गया, कभी हाँ आके सो गया, कभी वहाँ आके सो गया, ऐसे व्यक्ति बोलते ये और सौभाग्यशाली, क्योंकि इसी जीवन में हरी कथा और ज्यादा है। और सर्वोत्तम सौभाग्यशाली उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसके जीवन में रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से और जागृत रूप से हरी कथा है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है सर्वाधिक सौभाग्यशाली। तो एक है सौभाग्यशाली, एक है ज्यादा सौभाग्यशाली, और एक है सर्वाधिक सौभाग्यशाली। तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वही है जो भगवान की कथाओं को नियमित रूप से सुनता है। अक्सर हम जिन घरों में जाते हैं प्रोग्राम के लिए, बाकी सब तो श्रवण का लाभ लेते हैं, उस घर के मेंबर बेचारे लाभ नहीं ले पाते, बेचारे जा रहे होते अंदर बाहर, लस्सी ठंडाई समोसे कचौड़ी पराठे धूम धड़ाका करते कराते, बेचारे उनका बस श्रवण रह जाता है, बाकी तो तर जाते हैं। तो इससे जो घर वाले हों, हमारी रिक्वेस्ट है हमको हाथ में मूढ़ी और एक केला पकड़ा दें, बहुत है, लेकिन सब बैठ करके भगवान के बारे में सुने, ये बहुत जरूरी है। ये खान पान का वैभव तो देखो लगा रहेगा, लेकिन सबसे ऊंचा वैभव है भगवान के बारे में सुनना, ये सबसे ऊंचा वैभव है वास्तव में। तो इसलिए भगवान के बारे में सुनेंगे तभी तो उनसे प्यार बढ़ेगा हमारा, उनके बारे में सुनते नहीं है, घटिया लोगों के बारे में सुनते रहते हैं, कोई बॉलीवुड के लोग, कुछ हॉलीवुड के लोग, कुछ बॉलीवुड के लोग, कुछ क्रिकेटवुड के लोग, और इस तरह से हम लोग एक दिन वुड बन जाएंगे, वुड मतलब लकड़ी। तो इसीलिए
हमें सुनना चाहिए भगवान के बारे में, जितना ज्यादा भगवान के बारे में सुनेंगे, उनकी महानता के बारे में सुनेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। ये राक्षस है, ये राक्षस है, ये रोकता है हमें भगवान के बारे में सुनने से। ये हमें बोलता है बेटा तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं चलेगी, संसार तुम्हारे बिना कैसे चलेगा, इसके बिना जिंदगी जीनी हमें, हम भी रख देते हैं अपना और क्या। प्रभु जी ने अपना तो रख लिया, हमारा वहां चढ़ा दिया होता बाद ले लेंगे प्रभु प्रसाद के तौर पे। ये तो राक्षस है मोबाइल असुर, इसकी वजह से लोगों के ना, पहले लोग रामचरितमानस पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, गीता भागवत पढ़ा करते थे, इसकी वजह से कुछ नहीं पढ़ पाते बेचारे, व्हाट्सएप भी पढ़ते रहती पूरी दुनिया। तो ये ऐसे राक्षस हैं जिन्होंने कि लोगों के हाथ से मालाएं छीन ली, लोगों के हाथ से ग्रंथ छीन लिए, लोगों के जिंदगी से साधु संघ छीन लिया, ऐसा राक्षस है ये, खतरनाक राक्षस। और इसके अंदर शक्ति का आवेश है, शक्तिवेश अवतार है इंटरनेट का, इंटरनेट के अंदर इसका अपनी शक्ति का सारा आवेश किया है इसके अंदर, कि मेरी सारी विभूतियां तेरे अंदर उपस्थित रहेंगी तो इन कलयुग वालों का बेड़ा गर्क मार दे। कहता है देखो मैं कैसे बेड़ा गर्क मारता हूँ, तो गली गली कूचे कूचे में जा जाकर इसने ऐसा बेड़ा गर्क मारा हुआ है, पूछे मत। और नए नए इसके अवतार आते रहते हैं, 6 GB रैम, 128 GB रोम। तो इसीलिए इस राक्षस हमें को बचना है, बहुत जरूरी है। बताओ मेरे बगल में अटैक कर दिया राक्षस, कितना डेंजरस आदमी, बेचारा भोला वाला आदमी देखो यहाँ बैठा है माइक लगाने के लिए, उसके ऊपर अटैक कर दिया। कोई मतलब जान बात कुछ देखता नहीं, अंधाधुंध अटैक करता है कि ये बगल में बैठा इसका कल्याण होने पाए। तो इसीलिए राक्षस को बढ़िया चरणों में डाल दे, चरणों से वापस लेंगे बाद में प्रसाद के तौर पर, ठीक है। तो इसलिए भगवान की कथाओं के बारे में सुनना बहुत अधिक आवश्यक है, जितना ज्यादा भगवान के बारे में श्रवण करेंगे उतना ज्यादा हमारा भगवान से प्यार बढ़ेगा। और शास्त्र में क्या आता है कि भगवान की जो कथाएं हैं क्या करती हैं, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु, जितना भी अभद्र है जीवन के अंदर वो नष्ट हो जाता है जो हम हरि की कथाएं सुनते हैं। हमारे आचार्य थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, ऐसा जीवन धन्य है जिसमें शरीर झड़ता है भगवान की कथाएं सुनते हुए। तो शरीर तो झड़ना ही, इंद्र तृप्ति कर रहे झड़ेगा है ना, धीरे धीरे सफेद बाल भी आएंगे, धीरे धीरे तोंद भी बाहर आएगी, मेटाबॉलिज्म खराब होता है ना, तोंद बाहर आएगी धीरे धीरे करके, ठीक है। यहाँ जो है शरीर में एनर्जी कम लगेगी, ठीक है, पाचन शक्ति खराब होगी, और जो है हमारी स्टेमिना भी कम होगा, और दांत भी गिरेंगे धीरे धीरे करके, दाढ़ में दर्द होगी, दांत में दर्द होगी, दांत निकलेंगे, प्लास्टिक के दांत लगेंगे उसमें, ये सब करते कराते शरीर तो झड़ना है। अब शरीर जब झड़ना ही है तो कौन सा शरीर झड़े तो उसकी जय हो, ऐसा शरीर जो हरि की कथाएं सुनते सुनते झड़ता है, ऐसे जीवन की जय हो। तो शरीर झड़े बिल्कुल झड़े क्या करे, लेकिन झड़े तो भगवान के बारे में सुनते सुनते झड़े, ये है सबसे महान बात। तो भगवान की कथाएं इससे जो है सुनना बहुत अधिक आवश्यक है। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने जो कि हमारे फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, वो रात के 1 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक ग्रंथ लिखा करते थे ताकि लोग हरि कथाएं पढ़ें। क्योंकि उनको बताया लो रात को जग के पढ़े ना, मैं तो कम से रात को जग के लिख लूँ। वो दिन भर वो जगे रहते थे और जगह जगह लोगों से मिलते थे, मंदिर बनाते थे, और रात के समय श्रील प्रभुपाद जी रात के 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक प्रभुपाद जी ग्रंथों की रचना क्या करते थे, यानी जो शास्त्र है उनको समझाने के लिए तात्पर्य लिखा करते थे। तो हरि कथाएं इतनी ज्यादा जरूरी है भगवान के बारे में सुनना। और श्री विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि हरि कथाएं भला क्या करती हैं। ये शास्त्र में बड़ा अच्छा श्लोक आता है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीदितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिराजना। तव कथामृतम, आपकी कथाओं का अमृत ये क्या करता है, तपते हुए जीवन को शांत कर देता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीदितम कल्मषापहम, ये जो है और कविताओं में भी सर्वश्रेष्ठ है ये, और कल्मषों को नाश करने वाला है ये। श्रवण मंगलम, इससे परम मंगल होता है जीवन में जब भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रवण मंगलम। और जो इन कथाओं का वितरण करते हैं भूरी दर्जना, ऐसे व्यक्ति सबसे ज्यादा महान और दयालु लोग हैं जो कि भगवान की कथाओं को बांटते हैं लोगों के बीच में। तो विष्णु आचार्य ठाकुर ने इसका एक और एक्सप्लेनेशन दी जो बड़ी रोचक है,
कहते हैं भगवान की कथाएं भला क्या करती है इंसान के ऊपर। कहते वह कथा आपकी जो कथाएं हैं मृतम मार देती है व्यक्ति को, अरे मार देती है। हाँ भगवान की कथाएं क्या करती है, मार देती है। तव कथा मृतम मार देने वाली है कथाएं, क्या मार देती है, भौतिक जीवन को मार देती है। पहले वो अच्छा खासा घूमता था, जीन्स पहनता था, टी शर्ट पहनता था, बींग ह्यूमन वाली था, हाथ में कोका कोला थी उसकी, सामने टीवी हुआ करता था उसका। गलती हो गई बेचारे से, कथाएं सुननी शुरू कर दी उसने, कथाओं ने क्या किया बेचारे का सर मुड़वा दिया। ठीक है, कहाँ बेचारा सीए होता है ना, बेचारा कुछ कमा रहा होता बेचारा। गलती हो गई छोकरे से, हरी कथाओं में बैठ गया जाकर, वहां पर क्या हो गया साहब मृतम, इसका भौतिक जीवन बर्बाद हो गया इसका। तो हरी की कथाएं कर दें क्या, आपका सांसारिक जीवन बर्बाद कर देती है। अब आप सोचोगे मैं दोबारा संसार में जन्म लूंगा, हरी कथाएं आपकी सारी टिकटें कैंसिल कर देंगी कि सर आपका दोबारा संसार में जन्म होना ही नहीं है, अब हमने तो आपको बर्बाद कर दिया, आपका करियर चौपट, घर गृहस्थी चौपट, आपका सिर्फ एक ही चारा है हरी के पास आ जाओ बस, और कोई चारा नहीं छोड़ती हरी कथाएं। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, तपा देती है जीवन को। बेचारा सुबह सुबह 7 बजे उठता था, 8 बजे उठता था, माँ कहती है मेरा सोना, मेरा लड्डू, मेरे बर्फी, उठ जा मेरा बच्चा। अभी सुबह 3:30 बजे उठ जाता बेचारा। तप्त जीवन तपा के रख दिया, पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनता था, बेचारा पीला पहन के घूम रहा है, सफेद पहन के घूम रहा है ना, बेचारे नारंगी पहन के घूम रहे बेचारे। तप्त जीवन तपा के रख दिया, तो सुबह जल्दी उठ जाना है, रात के सोने का पता नहीं है लेकिन सुबह उठने का पता है। तप्त जीवनम, 2 वक्त का सिंपल प्रसाद है, बंगाली भाई को बनाना है अपने हिसाब से बनाएंगे, वो भी आराम से खुशी खुशी माना है, बिहारी भाई ने बनाया तो भी खुशी खुशी माना है, पंजाबी ने बनाया तो भी खुशी खुशी माना है, उड़िया ने बनाया तो भी खुशी खुशी माना है, अरे जो भी है जी पाना है, दाल में नमक है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। तो कहा तो बेचारा पिज्जा खाता था, आज बेचारा दाल चावल खाता है, खिचड़ी खाता है बेचारा। तप्त जीवनम तबाह कर देती है कथाएं, कहीं का नहीं छोड़ती इंसान को। तो इसीलिए यह है तव कथा मृतम तप्त जीवन, इसीलिए हरी कथाओं से बच के रहो, मत बैठा करो, अगर संसार में रुचि है आपकी मत बैठो इन कथाओं के अंदर, ये कहीं का नहीं छोड़ती आपको, सिर्फ हरी का ही छोड़ती है बस, कहीं का नहीं छोड़ती है कथाएं, ऐसी हैं कथाएं, खतरनाक कथाएं। इसलिए अक्सर लोग जो है भगवान के बारे में कथा करने से भी डरते हैं, और जो सुनने वाले वो सुनने से भी डरते हैं, क्योंकि बड़ी ही ट्रांसफॉर्मिंग है, बदल देने वाली, जिंदगी बदल देती है ये कथाएं। और श्रीमती राधा रानी हरी कथाओं के बारे में बताती हैं कि हरी कथाएं कितनी डेंजरस है, कहती है जो हरी कथा है भगवान कृष्ण की जो कथाएं हैं ये कितनी डेंजरस है। कहते हैं असल में ना ये हरी की जो कथाएं हैं ये जाल है, राधा रानी बोल रही है ये जो हरी कथाएं हैं जाल है, जाल, ये कथाओं का जाल है जिसको बुना है वेदव्यास नाम के एक संत ने जो कि भगवान का अवतार है, और साथ ही जो अवतार है वेदव्यास जी नाम का जिसने जाल बुना है, ये जाल और जो है इसको अपने यहाँ दबा के रखते हैं कसाई, और वो कसाई है हरि के भक्त। कसाई होता है ना यहाँ पर चक्कू लेके घूमता है, जैसे को शिकार मिला भक्त देना शिकार करके मार देता उसको, उसी तरह से हरी कथाएं जो है यहाँ पोथी को यहाँ दबा करके ये हरी के भक्त चल रहे होते हैं, इनको जैसे ही कोई कष्ट मिल जाए वो खोल के पढ़ करके उसका बर्बाद कर देगा, खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए कसाई है ये हरी के भक्त, कसाई है, इनमें दया नहीं है इनके अंदर, जैसे कसाई होता है चक्कू लेके होता है ना मार दे किसी को भी जैसे शिकार मिले, वैसे ये लोग भी घूम रहे होते हैं भगवती दास से लेके यहाँ घूम रहे होते हैं। हमारा 6 डे सेशन आप अटेंड करेंगे DYPH डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, अभी क्या बताया सारी भौतिक हैप्पीनेस तो निकाल देंगे ये लोग, अभी डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, धोखा करते हैं, छलावा करते हैं, नंबर 1 धोखेबाज लोग कौन, हरि के भक्त। अब निश्चित रूप से सारी प्रशंसा है, ये प्रशंसा है ना, जैसे कि अगर किसी को ऐसे अगर किसी की अगर बुराई करनी हो तो बोलते ना सती सावित्री है ये तो पवित्र आत्मा है, सती सावित्री है, आती है रात को 12 बजे आती है, कब निकलती है कब आए पता नहीं, लेकिन हाँ दूध की धुली है, सती सावित्री है, असल में कहने का मतलब है चरित्रहीन है, बदमाश है।
तो ये शब्द कहे कुछ और जाते हैं लेकिन मीनिंग जो है कुछ और होता है। उसी प्रकार से जितनी भी ये बातें सुनने में आती हैं, जैसे कि श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर आपकी रुचि है संसार के सगे संबंधियों के अंदर, संसार के मुनाफाखोरी के अंदर, तो कभी भी वृंदावन वंशी बटे मत जाना, किसी घाटे मत जाना। वहां त्रिभंग ललित में एक आदमी खड़ा हुआ, उसका नाम गोविंद है। अगर देख लिया तो सारा प्यार वहीं पे उड़ जाएगा, कहीं के नहीं रहोगे बेटा, सारा संसार निपट जाएगा, केशी घाट मत जाना। ऐसे में तारीफ करने का तरीका है कि वो इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षक हैं कि उनको देखने के बाद कहीं का और होश रहता नहीं है। तो ये जो है वास्तव में प्रशंसा करने का तरीका है। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी भी प्रशंसा कर रही है कि हरि के भक्त इतने दयालु हैं कि हरि की कथाओं को लेकर घूमते हैं और ये लोगों को सुनाते हैं, और संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में जो जल रहे हैं लोग, तप रहे हैं लोग, मर रहे हैं लोग, ऐसे लोगों के कष्ट को दूर करते हैं, हरि के कथा का अमृत सुना करके उनका उद्धार करते हैं वास्तव में। तो इस प्रकार से भगवान की जो कथाएं हैं ये जीवन देने वाली हैं। तो हरि की जो कथा है ये गंगा की तरह है, गंगा के स्पर्श में जो भी आता है वो तर जाता है। उसी प्रकार से हरि कथा जो बोलता है वो भी तरता है, जो प्रश्न पूछता है वो भी तरता है, और जो ऐसे सुन रहा होता है वो भी तरता है। और ये तरना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज्यादा लाभ मिलता है भगवान की कथा बोलने वाले को। ऐसे इस समय सबसे ज्यादा लाभ मुझको मिल रहा है, दूसरा लाभ उसको मिलेगा जिससे मैं पूछूंगा किसी को सवाल है तो जो हाथ खड़ा करेगा सवाल पूछेगा, दूसरा लाभ उसको मिलेगा, और तीसरा लाभ उनको मिलेगा जो कि सिर्फ यहाँ श्रोता है। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है सिर्फ हम ही हरि कथा ना बोलें, आप सबको ही बोलनी चाहिए, जितनी भी आती हैं बोलें, लेकिन भगवान के बारे में बोलना चाहिए। एक बार किसी ने हमसे बोला, कहते प्रभु जी ये बुराई क्यों बढ़ रही है संसार के अंदर, तो हमने उन्हें यही जवाब दिया, संसार में बुराई नहीं बढ़ रही है, अच्छे लोग चुप हैं इसलिए लगता है हमको कि बुराई बढ़ रही है, पर अच्छे लोगों को ही बोलना चाहिए। गलत सलत बोलने वाले चपड़ चपड़ कचर 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 पापा पापा क्या 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 कुकु कुकु धूम 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 पूरे दिन 93.5 98.92.7 पता नहीं क्या क्या लगे रहते पूरे दिन, और आज का मौसम बड़ा सुहाना है, और लेटेस्ट मोबाइल जो मार्केट में आ गए, और दीपिका पादुकोण की लेटेस्ट मूवी, और ये जुपिटर एक नई स्कूटी निकली है मार्केट में, पूरा दिन चपड़ चपड़ कचर 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 ये तो चलता ही रहता है पूरे दिन, पर अच्छी बातें कौन बोलेगा, हरी कथाएं कौन बोलेगा, भगवान के भक्त बोलेंगे। भगवान के भक्त हम चुप रहते हैं, हम नहीं बोलेंगे, इसलिए लगता है बुराई पड़ रही है, पर असल में बुराई नहीं पड़ रही, अच्छे लोग चुप हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि बुराई पड़ रही है। तो इसीलिए हमको भी बोलना चाहिए, हम सबको भगवान के बारे में बोलना चाहिए। एक बार श्री प्रभुपाद जी जो है उनकी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत सारे प्रभुपाद जी जो है बैठे हुए थे लेकिन उनका शरीर झुका हुआ था, तो तभी जो है जो भक्त थे उन्होंने कलयुग के लक्षण पढ़ दिए हैं, कहीं से आए थे, तो प्रभुपाद जी वहां से कहते हैं प्रभुपाद जी कलयुग के लक्षण लिखे हुए श्रीमद् भागवतम के अंदर, ये तो एकदम मतलब बड़े प्रैक्टिकल है, वाकई में ऐसा हो रहा है कलयुग के अंदर। और फिर प्रभुपाद जी ने ना कलयुग के सिम्टम पढ़ने शुरू किए और बताते बताता है कि किस प्रकार से कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, हरिनाम संकीर्तन आया है कि हरे कृष्ण महामंत्र है, और ये बोलते बोलते प्रभुपाद जी की आंखें ऐसे खुल गई, प्रभुपाद जी की आवाज में ऊर्जा आ गई, और प्रभुपाद जी ऐसे उठ के खड़े होकर बताने लगे, बस फुल्ली एनिमेटेड। तो हरि कथाओं का ये स्वभाव है कि अगर हम कभी कमजोर भी हों, जैसे कभी भी होता है हम लोग बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, नहीं जाते रहते हैं, चलो क्या जाए जी, है ना, लेकिन जाएंगे तो मस्त हो जाएंगे एकदम। तो इसलिए भगवान के बारे में सुनना ये बहुत अधिक आवश्यक है। तो सुनना जो है उसके लिए शब्द आता है श्रवण, श्रवण जो शब्द है वो आता है शब्द, उसका नाम है चवन, हम चवन पाश नाम सुना, चवन पाश राइट, चवन का मतलब होता है चबाना। तो यानी भगवान के बारे में सुनना चाहिए, फिर उसके बाद उस पर ध्यान भी देना चाहिए, यानी उस पर आत्मनिवेशन करना चाहिए कि जो आज हमने सुना इसकी मेरी पर्सनल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, ओके आज मैंने सुना इसकी प्रीचिंग एप्लीकेशन क्या है, ये सब जो है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अक्सर लोग सुनते तो हैं लेकिन सुनते सुनते ध्यान हो कहीं और होता है, कहते देखो आज टेंट तो अच्छा लगाया ना, बीच में बत्ती भी लगाए तो अच्छा लगता है ना, बत्ती हो जाती अच्छा लगता, टेंट लगाया है पिंक रंग का लगाया है, नीले रंग का लगता है वो भी अच्छा लगता, ये अच्छा लगता ठीक है। आज दोपहर में दाल कौन सी चढ़ानी है गैस पे, कहते कल तो मैंने मूंग साबुत चढ़ाई थी, आज रविवार है ना चने की दाल चढ़ाऊंगा। हाँ हाँ तो क्या बोल रहे थे आप, हाँ थोड़ा सुन भी लेते हैं थोड़ा ध्यान भटक भी जाता है यहाँ वहाँ, है ना, अगल में कौन बैठा है, बगल में कौन बैठा है, मन हमारा ऐसा चंचल, माई गॉड सुन भी नहीं पाते हम लोग तो,
संत तुकाराम जी थे, वो कथा क्या करते थे, बड़े दक्ष थे कथा करने में, लेकिन वो अपनी धुनी में कथा क्या करते थे, तो 6 घंटा कथा होती थी, 9 घंटे कथा होती थी। ऐसे एक बार क्लास की उन्होंने रात को 9 बजे शुरू की, सुबह 6 बजे तक जो है वो लगे रहे कृष्ण के बारे में, कृष्ण का रूप बड़ा सुंदर है, कृष्ण का रंग बड़ा अच्छा है, कृष्ण की वाणी बड़ी मधुर है, कृष्ण का ये, कृष्ण 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 करते करते सुबह के 6 बज गए, तो उनकी आंख खुली तो सामने व्यक्ति था ऐसे बैठा, प्रातःकालीन हो गया आप अभी तक बैठे हुए आप, कहते हाँ जी, कहते मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है आपको कि मुझे अंततः वो व्यक्ति मिल गया जिसकी हरि कथाओं में इतनी रुचि है कि 9-9 घंटे भी बैठकर वो हरी कथा सुन सकता है वो। तो उसने बताया देखिए बुरा मानिए तो कहरा जी मेरे को ना कोई रुचि नहीं है हरी कथाओं में, अपनी कैपेसिटी 1-1.5 घंटे की है, तो फिर आप सुबह 6 बजे बैठे, एक्चुअली क्या है ना जहाँ पर आप बैठे हैं उसमें चद्दर है, जिस चद्दर पर आप बैठे कथा कर रहे हो चद्दर हमारी है, आप उठे तो चद्दर हम लेकर के जाए, तो हरी कथाओं में रुचि भी नहीं आती है ना, कुछ चटपटी बातें हों, थोड़ा राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की बातें हों तो लोग सुने भी है ना, किसने किसकी टांग खींचनी, किसने क्या षड्यंत्र रचा, किस तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जाए, अरे यहाँ तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये तो टेंट फाड़ फूड़ के लोग आ जाएंगे यहाँ पर सुनने के लिए, लेकिन भगवान के बारे में सुनने के लिए जो है अक्सर नहीं आ जाता है, उससे क्या होता है जी पेट भरता है उससे नहीं भरता, अरे पेट भरने वाली कोई चीज़ हो तो बताओ, तो हमारे कहना होता है देखिए ये सुनेंगे ना तो आपको दिल भरेगा, आपका कहता है दिल भर के क्या करेंगे जी, हमें तो पेट भरना है बस, तो पेट भरने वाली कथाएं तो हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन जिससे हृदय भरने वाला है आनंद से वो कथाएं उनसे दूर रह जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है भगवान के बारे में सुनना, श्रवण करना। और श्री प्रभुपाद जी जब अपने गुरु महाराज से मिले थे, हाँ पहली बार जब मिले थे तो उस वक्त जो है उनके एक गुरु भाई थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था श्री भक्ति सांसद ठाकुर को, गुरुदेव ये है अभय, और तुरंत जो है भक्ति सामारा ने कहा यस आई नो हिम ही लाइक्स टू हियर, मैं जानता हूँ इनको, इनको सुनना पसंद है, क्योंकि भक्ति सामारा जी क्लास भी ऐसे हुआ करती थी 6 घंटे क्लास 8 घंटे क्लास, तो कोई 1 घंटे बाद उड़ जाता था, कोई 2 घंटे बाद उड़ जाता था, कोई कब उड़ जाता था, कोई कब उड़ जाता था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी क्लास की शुरू से लेकर के आखिर तक बैठे रहते थे और सुनते थे। तो सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, लाइफ इनकी बनती है जो लोग सुनते हैं, और जो लोग ध्यान से सुनते हैं वही उस बात को फिर रिपीट भी कर पाते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने जितने भी भक्तिवार के लेक्चर वो सब के सब सुना करते थे शुरू से लेकर आखिर तक। सुनना बहुत अधिक आवश्यक है। हमारे एक आचार्य हुआ ना था रसिकानंद देव, एक बार वो कथा कर रहे थे एक राजा के यहाँ पर, तो तभी क्या हुआ राजा ने ना थोड़ा यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गया, जैसे कुछ हरकत वगैरह होती है तो हमारा मन यहाँ चला जाता है कि कौन आ गया, ये मच्छर कैसे आ गया, ये मक्खी कैसे आ गई, ऐसे करके उसका थोड़ा ध्यान भटका, उसने कुछ इशारा किया मिनिस्टर को कि ऐसे कर दो वैसे कर दो वैसे कर दो, क्लास चल रही थी, तो रसिकानंद देव का प्रभु का जो उनका शिष्य था वो आया, उसने राजा के कान के नीचे खिंचा के थप्पड़ मारा उसने, तो सैनिक थे वो आए राजा को बचाने के लिए और इसको कैद करने के लिए, राजा का ना 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 कुछ नहीं करना, इसने पता है क्यों थप्पड़ मारा मेरे को, इसने इसे थप्पड़ मारा क्योंकि मैं भगवान की कथाएं सुनते हुए यहाँ वहाँ ताकाशाही कर रहा था और मैं भगवान की कथाओं को इज्जत नहीं दे रहा था, इसीलिए रसिकानंद देव प्रभु के शिष्य ने चपेट मारी मेरे को, हस्त स्पर्श कैला, ये हस्त स्पर्श कैला अच्छा किया कैला, क्योंकि हमारा मन जब यहाँ वहाँ भटकता है भगवान की लीलाओं में तो हस्त स्पर्श कैला वाली हरकत करते हैं हमारे, तो इसीलिए इन्होंने थप्पड़ मारा, बिल्कुल सही मारा, बिल्कुल सही मारा। तो इसी प्रकार से हरी कथाएं हो डिस्ट्रैक्शन हो लेकिन तुरंत वी शुड बी फोकस्ड, क्योंकि सबसे बड़ी प्रिविलेज है भगवान के बारे में सुनना। हमारे महाराज उनका नाम है हेजुनाथ भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, अगर वो किसी घर में कथा करने के लिए जाते हैं और उस घर के लोग अगर कुकिंग में बिजी होते हैं उस दिन वो वहाँ का प्रसाद नहीं पाते, कहते हैं आप लोग कहाँ थे, कहते हैं हम आपके लिए भरता बना रहे थे, और क्या बनाया आपने, कहते हैं हमने कद्दू की सब्जी बनाई, अच्छा और क्या, कहते हैं हरी चटनी बनाई, कहते हैं और क्या हमने पराठे बनाए, और क्या हम दाली बनाए, और डोसा बनाए, और चावल बनाए, कहते हैं वेरी गुड आप खाइए इसको, कहते महाराज ये तो हमने आपके लिए बनाया था, महाराज ने कहा भाई कथा करना क्या टेबल के लिए आए थे यहाँ पर, ये टेबल हो तुम सुनो, नहीं हम आप ही के लिए आए थे और आप ही भग लिए कुकिंग करने के लिए, इसीलिए हम आप घर में प्रसाद नहीं पाएंगे, तो महाराज प्लीज़ महाराज
कुछ कर लो लेकिन महाराज मानते नहीं है फिर। तो इसीलिए हरि कथाओं को इज्जत देना, सम्मान देना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। जितना ज्यादा श्रवण करना, क्योंकि हमारी जो भक्ति है, भक्ति एक्चुअली देखा जाए हमारी भक्ति का नाम है श्रवण भक्ति। जिनका श्रवण अच्छा होता है उनका कीर्तन अच्छा होता है, जिनका श्रवण और कीर्तन अच्छा होता है उनका स्मरण स्वाभाविक होता है। इसीलिए हम इसके कितने लोग चाहते हैं कि हमें 24 घंटा भगवान का स्मरण होता रहे। वेरी गुड। अगर हम चाहते हैं हमको 24 घंटे भगवान का स्मरण हो, तो एक खास तरह की गोली आती है, वो गोली आप खाइए, उस गोली का नाम है श्रवण गोली। आप श्रवण गोली खाएंगे तो आपको डकार आएगा, उस डकार का नाम है कीर्तन डकार। ठीक है जी। फिर कीर्तन क्या है, बस भगवान की ग्लोरिफिकेशन है, लेकिन वो तभी बाहर निकलती है जब आपने खाया हो। तो खाएंगे क्या, श्रवण, तो डकार क्या निकलेगा फिर, कीर्तन। जब ये हाजमा आपका हो जाएगा तो आपके रगों में दौड़ेगा स्मरण। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे चेतना में स्मरण रहे भगवान का हमेशा, तो हमें हमेशा करना चाहिए श्रवण। जो अक्सर जो थोड़े रजोगुणी लोग होते हैं, जब श्रवण का मौका आता है ना, तो उठ करके भागा दौड़ी शुरू कर देंगे, कहते अभी तो ये स्टोरी वोरी पिलाएंगे यार, तब तक हमको ढंका काम कर ले जिंदगी के अंदर, वो बाल्टी वाल्टी उठा पटक करनी है ना, वो गिलास धोने हैं, वो ईंटें ऊपर करनी है, ईंटें नीचे करनी है ना, कमरा ऊपर नीचे करना है, बिस्तर ऊपर चिपकाना है, पंखा नीचे लगाना है, बहुत मेहनत करनी है हमको। तो ये उसी वक्त करेंगे हम जब भगवान की कथाएं चल रही होंगी, उसी वक्त ये शुभ मुहूर्त होता है। जैसे ही स्पीकर बोलता है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कहते बस अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, ये काम तभी तक करने के लिए थे जब तक भगवान की कथा चल रही थी। वाह, तो सारा उठा पटक धूम धड़ाका तभी तक जब तक भगवान की कथा चल रही होती है। बस नहीं, सबसे ज्यादा मंगलमय कार्य क्या है, श्रवण मंगलम। ये हरि कथाएं जो है ये सबसे ज्यादा मंगल करने वाली है, चाहे सोमवार को या मंगलवार, ये सारे वार को मंगलवार कर देती है ये हरि कथाएं। तो इसीलिए हम चाहते हैं हमारे सारे वार क्या हो जाए, मंगलवार। लेकिन मंगलवार कैसे होंगे जी, जब श्रवण मंगलम होगा तो सारे वार हो जाएंगे हमारे मंगलवार। तो इसीलिए भगवान के बारे में सुनना ये सबसे ज्यादा मंगलमय है। देखिए बायोलॉजिकली या स्थूल रूप से कान के बीच में और हृदय के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर कान है, कान के अंदर फिर ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम के बाद फिर बैलेंसिंग ऑर्गन आता है, फिर लाइक फिर वो हड्डी से जुड़ जाता है, दैट्स इट। हृदय से, हृदय का कान के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कान का और हृदय का डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन, बल्कि ये ट्राइंगल है, इसका कनेक्शन इसके साथ भी है और दोनों कनेक्शन हृदय के साथ भी है। ठीक है जी। अब ये ट्राइंगल है, हम चाहे भाई चीजें कहां से घुसे कहां पर जाए ये हमारी चॉइस है। जैसे व्यक्ति ने दो बुत बनाए, एक बुत था 10,000 रुपए का, एक था 500 रुपए का, लेकिन डिप्टो सेम थे, डिप्टो सेम, लेकिन और सेम अमाउंट ऑफ मिट्टी लगी थी, बिल्कुल सब कुछ सेम था, लेकिन एक था 500 का और एक था 10,000 रुपए का। और उसने ओपन चैलेंज दिया, कोई बताया मेरे को एक 10,000 का क्यों है, एक 500 का क्यों है। तो सबने बड़ा धूम, बड़ा अच्छे से सोचा, लेकिन कोई आंसर नहीं दे पाया। फिर एक समझदार व्यक्ति आया, वृंदावन से आया, वो उसने एक तीला लिया, तो एक 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 स्टैचू के जब कान में तीला डाला तो यहाँ से यहाँ निकल गया, उसने कहा ये 500 रुपए का है, और दूसरे के जब यहाँ से डाला तो अंदर चला गया, कहते ये 10,000 रुपए का है, जबकि दोनों सेम है। उसी प्रकार से हम भी ऐसे मिट्टी के जो ढेले हैं, ये हड्डी मांस के बने हुए, कुछों का यहाँ से यहाँ वाला कनेक्शन बड़ा फास्ट होता है, यहाँ से लेते हैं यहाँ से निकाल देते हैं, अरे बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा बोले, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा आपने क्या सीखा, हमने कुछ नहीं सीखा, ये तो है 500 रुपए वाले लोग। ठीक है जी। और जो लोग यहाँ से लेते हैं और यहाँ से भी लेते हैं और हृदय में जान जब डालते बात को ऐसे हैं 10,000 वाले, क्या ये तो मतलब बहुमूल्य लोग हैं। तो इसलिए सुनना चाहिए, तो इस वाले कनेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, इस वाले कनेक्शन का। दिव्य ज्ञान दिमाग प्रकाशिता नहीं है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो ये कनेक्शन जो है ये करना चाहिए बार 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 बार, ये वाला कनेक्शन जो है ब्लॉक कर देना चाहिए, यहाँ से निकलेगा यहाँ से निकालना है। अगर कोई निंदा चुगली करे फिर इसको खोल दो, यहां से लिया यहां से निकाल लिया, लेकिन भगवान की कथाएं हो तो इसको फिर जो है आपस कनेक्शन तोड़ दो, ताकि ये सब हृदय के अंदर ही जाए। बस
तो बायोलॉजिकली जो है डायरेक्ट कनेक्शन है कानों का हृदय के साथ। तो भगवान की जो कथाएं हैं ये क्या है, वास्तव में भगवान के पांव के नीचे सिंदूर है, ये उसके पार्टिकल्स हैं। और जब भगवान की कथा करते हैं तो भगवान कथा रूप में स्वयं क्योंकि उपस्थित हैं, तो कथा में वो क्या कहता है, वो जो कुमकुम के जो पार्टिकल्स हैं भगवान के चरणों के, वो हवा में ऐसे उड़ने शुरू हो जाते हैं, दिखते नहीं है लेकिन हवा में ऐसे उड़ रहे होते हैं। और जो व्यक्ति उनको ध्यान से सुन रहा होता है तो उसके कानों में जाते हैं, उड़ते 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 उसके कानों में जाते हैं, और फिर कानों में जा करके उस कनेक्शन से फिर वो हृदय में जाते हैं। तो अभी हमारा हृदय है काला कलूटा बैंगन लूटा, अब जब उसके ऊपर आ जाएगा सैफ्रॉन पार्टिकल्स, कुमकुम के पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो हार्ट कैसा हो जाएगा, फिर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, यस केसरिया हो जाएगा, कुमकुम के रंग का हो जाएगा वो। तो भगवान के चरणों के निकले वाला ये जो कुमकुम का जो पाउडर है, ये हरि कथा के रूप में ऐसे घूम रहा होता है यहाँ पर, और हवा में रहते 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 देखता है कौन ध्यान से सुन रहा है, है ना, कौन ध्यान से सुन रहा है। कहता है अच्छा ये तो टेंट को देख रहा है, कहता है इसको नहीं देखूंगा, इसको नहीं दूंगा, अच्छा ये पेड़ को देख रहा है, नहीं इसको नहीं दूंगा, कहते ये अपने बगलाले में खोया हुआ है, इसको भी नहीं दूंगा, कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन ध्यान सुन रहा है। जो ध्यान सुना होता है उसके कानों में ये पार्टिकल्स चले जाते हैं, इनके कान में नहीं जाएंगे। जैसे कि आपके कान में गए, क्या गए, प्रभु की कृपा कैसे जाती है, प्रभु की कृपा पाइप से जाती है या नलके से जाती है, ये अमीनाबाद ये सबूत दे दिया उन्होंने, नहीं सुना कुछ भी, शाबाश। तो ये जो है ये सैफ्रॉन पार्टिकल से जाते हैं और फिर कानों से हृदय में आ जाते हैं, और फिर हमारा गंदा हृदय जो है ये सैफ्रोनाइज हो जाता है, और फिर धीरे धीरे गोल्डन हो जाता है। और भगवान का फेवरेट कलर कौन सा है, यस भगवान श्री कृष्ण का फेवरेट कलर है गोल्डन। तो गोल्डन किसका कलर है, गोल्डन गोल्डन हमारी अंगूठी का कलर है, नहीं नेकलेस का कलर है, किसका कलर है गोल्डन, गोल्डन किसका कलर है, शंखचूड़ राक्षस का रंग गोल्डन, नहीं 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 चैतन्य महाप्रभु का है, और किसका रंग, चैतन्य महाप्रभु अंदर कौन सा रखी, कहाँ से लिखा है चैतन्य महाप्रभु, ये राधा रानी से। जैसे हमारा हृदय गोल्डन हो जाता है तो कृष्ण को वो हृदय बहुत प्रिय हो जाता है, कहते किस किस का हृदय गोल्डन है, कहते कथा के अंदर ये 25% लोग थे, इनका हृदय तो गोल्डन हो गया, बाकी 75% कहते वो इन प्रोग्रेस है, वो इन प्रोग्रेस है, यानी कि उनका कार्य प्रगति पे है। तो सबसे फेवरेट कलर है भगवान श्री कृष्ण का कौन सा रंग है, गोल्डन। और हृदय गोल्डन होता है हम श्रवण करते हैं भगवान के बारे में ध्यान पूर्वक, नोट्स बनाते हैं, नोट डाउन करते हैं, और फिर नोट्स के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करते हैं। जब हम ये कार्य करते हैं तो धीरे धीरे क्रिया क्या होगा, हमारा काला गंदा हृदय ये गोल्डन हो जाएगा, और गोल्डन रंग जो है भगवान कृष्ण को बहुत अधिक पसंद है। और हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस बच्चे की तरह रोते रहेंगे संसार के अंदर, तो यहाँ कैसे रो रहे हैं, दर्द देखो कितना आवाज़ है उसकी, आवाज़ में कितना दर्द है, क्योंकि माँ से दूर है, उसी प्रकार से हम भी राधा रानी से दूर हैं, इसलिए हम भी रो रहे हैं, पिट रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये सारे गंदे काम क्यों कर रहे हैं हम लोग, और ऐसे रोते पिटते रहते हैं क्यों, क्योंकि भगवान से दूर है। तो लेकिन पास कैसे आएंगे, हम पास आते हैं भगवान के बारे में सुन करके। ऐसे हम से किस किसको नाम में रुचि बढ़ानी है, हमने हरि नाम में रुचि किस किसको बढ़ानी है, हमने फोकटे बढ़ जाएगी ऐसे। नाम क्या है, नाम तो देखिए कीर्तन में आता है, वो तो नाम तो कीर्तन में आता है, लेकिन कीर्तन है सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, श्रवणम। तो श्रवण करना भगवान के बारे में, जितना ज्यादा श्रवण की गुणवत्ता अच्छी होगी उतनी नाम जप में गुणवत्ता अच्छी होगी, और जितनी नाम जप में गुणवत्ता अच्छी होगी उतनी आपकी भक्ति गुणवत्ता अच्छी होगी, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग सब भगवान के बारे में सुने, और गृहस्थ आश्रम बनता ही उसी से है जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, और भगवान की जो कथाएं हमें बाध्य करते हैं कि हम सात्विक बने, क्योंकि हम सुनने के लिए सत्वगुण चाहिए ही चाहिए, रजोगुण में मन बेचैन रहता है, तमोगुण में व्यक्ति सो जाता है, फिर आधे घंटे बाद अच्छा लगता है, कहता है आपने कथा की इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत फ्रेश हो गया, अरे भैया आधे घंटे ही पावर नैप लेके तो कौन खुश ना फ्रेश ना हो जाएगा भाई। तो ये तो तामसिक तरीका है भाई,
रजोगुणी व्यक्ति हाँ मन हाँ मन ये मन वो मन मोबाइल फोन व्हाट्सएप ये थोड़ा फिर बैठ गए फिर घड़ी देखी बहुत टाइम हो गया वो बोल लिया है तो भाई यार खाना कब होगा भाई खाने में क्या है भाई साहब क्या लगाया था खाने पीने में बहुत टाइम लगा रहे यार भाई साहब बहुत टाइम हो गया पहले वो हरिदास को बैठ गए थे भाई साहब हारमोनियम लेके घूम लड़ाका कर रहे थे वो मेरे प्रभु जी बैठा दिया आपने भैया जतिन को समझाओ कैसे लोग लेकर के आते हैं रजोगुण सतोगुण व्यक्ति सुनता है तो इसीलिए जो हरी कथाएं हमें बाध्य करती हैं कि हम सात्विक बने है ना तो इसे जितने ज्यादा हम सात्विक बनेंगे भक्ति करना उतना हमारे लिए आसान होगा अल्टीमेटली सतोगुण के भी आगे जाना है सतोगुण तो एक हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है ताकि हम निरंतर रूप से भक्ति कर सकें रजोगुण में कोई भक्ति नहीं होती तमोगुण में तो अपराध होते हैं तो इसीलिए रजो तमो से बचना चाहिए दोनों अपराध होंगे दिक्कतें जाएंगी हमको निश्चित रूप से सतोगुण एटलीस्ट चाहिए भक्ति करने के लिए और फिर अल्टीमेटली सतो के भी आगे जाना है हमें विशुद्ध भक्ति में जाना है तो इस प्रकार से हरी कथाओं को अपने जीवन का केंद्र बनाइए और हरी के नाम को लेकर के आइए अपने जीवन में और अपना मनुष्य जीवन सार्थक करिए हरे कृष्णा इसे आपको प्रश्न है या अर्चित प्रभु जी शचीपति प्रभु जी कुछ कहना चाहें यस प्रभु जी यस किसी को प्रश्न है कोई प्रश्न पूछना चाहें भगवान ने एक चीज दी है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी वैसे मुख्य तत्व वैसे अभिशाप है संसार के अंदर लेकिन भक्त अगर दक्ष हो और निरीक्षण में हो भक्तों के तो फिर इस अभिशाप का बहुत से इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वरदान हो सकता है टेक्नोलॉजी तो ऐसे वक्त जो है रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं ठीक है निश्चित रूप से रिकॉर्डिंग सुने वो कर सकते हैं और साथ ही जब हम भक्तों का व्यक्तिगत संग नहीं कर पा रहे होते हैं तो हमें ग्रंथ संग करना चाहिए फिर यानी हमें प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए फिर उस प्रकार से प्रभुपाद जी वाणी का हम संग कर सकते हैं ठीक है ना बाकी ये है कि अब हमारे पास किंडल वगैरह भी हैं इनमें भी आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं ये भी आप कभी जाए तो पढ़ सकते हैं उसमें ऐसे भी संग कर सकते हैं और वीकेंड्स में यानी सप्ताह अंत में हमें अलार्म क्लॉक जो है उसमें से बैटरी निकाल लेनी चाहिए कि हम सोएंगे उसमें बैटरी लगा देनी चाहिए 10-12 और ताकि ऐसा अलार्म बजे कि 3:30 बजे उठ जाएं और नहा धो करके मंगल आरती के लिए आए और वहां पर भक्तों के साथ बैठ के जपा करें और भक्तों के संग में हरि कथा का पाठ करें तो सप्ताह अंत में कम से कम करें हमारे कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो कि भले गृहस्थ हैं लेकिन फिर भी हफ्ते में 4-5 बार तो आ ही जाते हैं कम से कम वो मंगल आरती में जपा भी करते हैं तो ऐसे भक्त हमारे हमारे ऐसे गृहस्थ भक्ति हैं निश्चित रूप से ऐसे हमारे रूप में सीधा माता जी हैं वो आती हैं मेरे सर जी बोटी ज्यादा है पर अगर कोई इतना नहीं कर पा रहा कम से कम सप्ताह अंत में आए साधु संग करें और जो सप्ताह के जो बाकी दिन है 5 दिन है उनमें भी ऑफकोर्स निश्चित रूप से वो अपने घर में मंगल आरती करें और भगवान के बारे में सुने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें सुने तो इस प्रकार से वो श्रवण कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल भी है निश्चित रूप से लेकिन चेतना अच्छी होती है तो अच्छा इस्तेमाल होता है चेतना दूषित होती है तो गलत इस्तेमाल हो जाता है तो लेकिन चेतना अच्छी होगी कैसे ऐसी होगी भक्तों का संग करके तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं हाँ जी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे कुछ दिनों से मुझे मन में डाउट आ रहा है कि साधना जरूरी है साधना में मतलब चैंटिंग तो है व्हिच इज टेकन फॉर नीडलेस टू से दैट वो तो करना है व्हेन इट कम्स टू हियरिंग एंड रीडिंग जैसे आपने कहा कि हियरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है तो कभी कभी ऐसे मैं फील करती हूँ कि सेवा बहुत ज्यादा हो जाती है कि आपका हियरिंग और रीडिंग इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है तो उसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी तो फोन हमारे पास हमेशा रहता है व्हाट्सएप ये बहुत फ्रीक्वेंट यूजेज हो रहा है तो हमें कैसे अपने आप को नियंत्रण बना के रखना चाहिए आपको बैलेंस आउट कि मुझे कैसे शुड आई बी स्ट्रिक्ट कि मुझे 2 घंटे रीडिंग करनी है और उस दौरान मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा नो मैटर व्हाट और उस दौरान अगर मैं ऐसा करती हूँ और सेवा इम्पैक्ट हो जाती है जो भी हमारी सेवा से संबंधित लोग हैं उनको अगर हम मैसेज देते हैं कि देखो मैं इन 2 घंटों में अनअवेलेबल हूँ तो वो लोग भी एडजस्ट करते हैं अपने आप को कि देखो 12 से लेकर 2 बजे तक तो माता जी होंगी नहीं तब लोगों को पता लग जाता है इस बारे में तो वो भी अपने आप एडजस्ट करते हैं कि 12 बजे से पहले पूछ लो या 2 बजे के बाद फोन कर लो 12 से 2 माता जी अवेलेबल नहीं तो इस तरह से जब हम मैसेज देते हैं तो लोग भी अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं उसके हिसाब से तो इस प्रकार से हमारी सेवा भी इफेक्ट नहीं होंगी
और हमको जो है श्रवण कीर्तन के लिए टाइम फिक्स करना चाहिए। टाइम फिक्स करके लाभ क्या होता है, हम साइकोलॉजिकली भी रेडी रहते हैं कि अब 12 से 2 का समय तो अब ये तो अंदर लेने का टाइम होगा सर। सो दैट इज अ रीडिंग हियरिंग आप नेचुरली करोगे, समझ में आएगा। रीजन भी आपने कंडीशन कर दिया अपने आप को, अब ये तो मेरा अब दिव्य ज्ञान को लेने का समय है। तो इस प्रकार से यू कैन फाइंड योर टाइम और उस वक्त आप डिवोटी